हाँ जी, स्वागत है तुहाडा सारिआं दा साडे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विद जॉब अलर्ट ते। सो पंजाब फॉरैसट गार्ड एग्जाम कंप्लीट जीके अगला भाग अगले नवे एम सी क्यू प्रश्न उत्तर तुहाडे लई लैके आए हाँ। सो चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल नूं सबसक्राइब ते बैल आइकॉन नाल ते प्रेस जरूर कर लियो तां जो तुहानूं समय सिर क्लास की अपडेट है जिहड़ी मिलती रहे। सो रोजाना 3 बजे जिहड़ा क्लास का टाइम हुंदा है, सो सारे तुहानूं जनरल अवेयरनैस जिहड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस तां उह तुहानूं प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पहला वाले भाग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके रीड कर सकते हो या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तुहानू लिंक है जो मिल जाएगा उत्थे जाके रीड कर लियो। तो स्टार्ट करते हैं जी अगले प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न नंबर 171 तो स्टार्ट करांगे। शिवाजी के गुरु जी का नाम की सीगा? जीजा भाई, रामदास, दादा कौंडदेव या फिर संत कबीर। तो शिवाजी होए ने तो इन्हां दे गुरु का जिहड़ा नाम सीगा जिहदे गुरु होए ने गे वो रामदास सीगे, ऑप्शन आड़ा। अगर जन्म बारे पूछ लिया जाता शिवाजी का जिहड़ा जन्म सी 1627 दे विच होया सी, कित्थे होया सीगा? सिबनेर दे किले दे विच। अगर पिता का नाम पूछ लिया जाता शाहजी भोंसले सीगा। माता का नाम अक्सर क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, माता का नाम जीजा बाई सी। दादा ते सरप्रस्त वो कौंडदेव सीगे, गुरु ते क्वेश्चन आ ही चुके हैं रामदास सीगे। अते तिलक ते क्वेश्चन पूछे राज तिलक इन्हां दा होया सीगा 1674 ईस्वी दे विच रायगढ़ विखे। रायगढ़ सी जिहड़ी मराठा सामराज की राजधानी सी। शिवाजी सी जिहड़े औरंगजेब दी आगरे विखे जेल दे विच कैद भी रहे सी, तो बाद दे विच मिठाई दीआं जो टोकरियां सी इहदे विच लुक के अपने पुत्र समेत आगरा दी जेल चों बाहर निकले सी। इस तो अलावा औरंगजेब ने शिवाजी नूं पहाड़ी चूहा जिहड़ा कहा सी। सो ये सारियां गल्लां जरूर नाल दी नाल नोट कर लिया करो, इहदे विचों क्वेश्चन बनते हैं। इस तो बाहर क्वेश्चन जिहड़ा तुहानूं कोई भी एग्जाम दे विच नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, सूरजी परिवार का सब तो गर्म ग्रह किहड़ा है? बुध, धरती, अरुण या वरुण। तो सूरजी परिवार का सब तो गर्म ग्रह जिहड़ा वह बुध है, क्योंकि सूरज के नेड़े है, मरकरी कहिंदे इहनूं। तो सब तो नेगटिव ग्रह है बुध, अते सब तो गर्म ग्रह है, अते इसनूं जिहड़ा नंगी अख नाल वेख्या जा सकता है। इहदा औसत व्यास 4878 किलोमीटर है। इस ग्रह ते जिहड़ा वायुमंडल अते पाणी ये दोनों नहीं हैगे, इस ते जीवन संभव नहीं है। सो ये सारे बुध ग्रह नाल संबंधित क्वेश्चन ने। औसत व्यास पूछा जा सकता है, गर्म ग्रह पूछ लिया गया है, निकटी ग्रह पूछा जा सकता है, किहड़े ग्रह ते जीवन संभव नहीं है, इस ग्रह ते जीवन जिहड़ा संभव नहीं है। इस तो अलावा बाकी आदर ग्रह ने उन्हां ते भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वह भी तुहानू आने वाले भागों के प्रोवाइड है जिहड़े करांगे। अगला प्रश्न है, आर्या समाज के अनुजाइयों नूं आमदन का किन्नवा हिस्सा जिहड़ा दान करना पैंदा सी? जिहड़े आर्या समाज के अनुजाई सी, दसवां, सौवां, बीवां या फिर पंजवां। तो जो आर्या समाज के अनुजाई सी तो इन्हां नूं सौवां अपने आमदन का हिस्सा सी जिहड़ा वो दान करना पैंदा सीगा। आर्या शब्द जिहड़ा ग्रीक भाषा तो लिया गया जिहदा अर्थ हैगा कुलीन जां सर्वश्रेष्ठ जां किसान जां उत्तम पुरश। तो ये सारे ये शब्दी अर्थ ने, कुलीन भी ऑप्शन पाया जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ भी पाया जा सकता है, किसान भी पाया जा सकता है या फिर उत्तम पुरश भी पाया जा सकता है। सो ये जिहड़ी आर्या जाति सी तां इहदे विच अलग अलग विचार ने जिहड़े प्रचलित ने, कोई एक गल सही इहदे विच नहीं है कित्थों आई सी किवें आई सी। सो इन्ना डीपली नहीं पुछा जाता। सो आमदन का हिस्सा पूछ लिया गया जां किहड़ी भाषा का शब्द हैगा ये पूछ लिया जाएगा जां इहदा अर्थ की है ये पूछ लिया जाएगा। सो ये 3-4 क्वेश्चन इहदे विच्चों जिहड़े बनते हैं। तो सौवां हिस्सा सी जिहड़े वो दान करना पैंदा सी जो आर्या समाज की अनुजाई सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सब तो नेड़े ग्रह है जिहड़ा किहड़ा है? तो इत्थे पृथ्वी दे पुछया गया है, ये ध्यान च रखना, बुध ना टिक कर दिओ कि बुध ग्रह है। सूरजी परिवार का सब तो नेगेटिव ग्रह बुध है, सूरजी परिवार का पुछया गया,
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਲ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਬੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਰੁਣ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਰੁਣ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਦੂਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰੁਣ ਹੈ। ਚਮਕੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਰਾਕ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਡੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਪਾਹ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਿੰਡੋਨ ਸੀਗਾ। ਹੜੱਪਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਵਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਤਲਛੱਟੀ ਚਟਾਨਾਂ, ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ, ਰੂਪਾਂਤਰਿਕ ਚਟਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਰਮਦਾ ਘਾਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਗੰਗਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ, ਮਾਲਵਾ ਪਠਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲਟਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਵਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਈਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ? ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸਫੋਟ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰ ਕਰਕੇ? ਤਾਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਵੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਦਾਬਹਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਾਈਲੈਂਟ ਘਾਟੀ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜੋ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਥਲਮੰਡਲ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਪੌਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਪੌਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ?
चन्न, सूरज, गुरुता शक्ति या सूरज ते चन्न। तां जवार भाटा लई जिहड़ा सूरज ते चन्न ये कारण प्रमुख हुंदे है। जवार भाटा नूं टाइड भी कहा जाता है, इहदा मतलब हुंदा है समुद्र का पानी दा उपर उठना, भाटा मतलब समुद्र के पानी के थले तुरना, तो उपर थले पानी का होना, तो इस जवार भाटा जिहड़ा कहा जाता है। जवार मतलब समुद्र च पानी उपर उठता है, भाटा मतलब पानी हेठा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जवार भाटा कदों आता है, तो पूर्णमासी के मस्या के दिनों जवार भाटा जिहड़ा हमेशा आता है, जो बड़ा जवार भाटा होता है। इस कारण दोनों मितियां नूं सूरज, चंद्रमा ते धरती एक सेह दे विच आ जांदे ने, जिहदे करके सागरां दा जिहड़ा पानी हुंदा वो अपनी गुरुता शक्ति कारण अपने वल खिंचदे है, जिहदे करके पानी दे विच उछाल आउंदा है, अते इसे उछाल नूं है जिहड़ा जवार भाटा किया जांदा है। दो बार ये दवा जवार भाटे जिहड़े आउंदे है, अते इहनां दे विच जवार अते भाटे दे विचकार समां यानी कि पानी दे उपर उठना अते थले बैठना 13 मिनट का इन दे विच जिहड़ा अंतर हुंदा। तो ऑप्शन ससा राइट आंसर आएगा, जिहड़ा कारण है वह सूरज ते चन्न है, इस कारण है जिहड़ा जवार भाटा हुंदा। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी चट्टानां तों प्रमुख खनिज पदार्थ जिहड़ा प्राप्त हुंदा, किहड़ा पदार्थ जिहड़ा प्राप्त हुंदा। टिन ते अबरक, खनिज तेल, मैगनीज ते टंगस्टन जा सल्फर। तो ज्वालामुखी चट्टानां तों प्रमुख खनिज पदार्थ है जिहड़ा वह खनिज तेल प्राप्त हुंदा। ऑप्शन आड़ा राइट आंसर आएगा। टोडा जनजाति निवास करती है, कित्थे करती है, सतपुड़ा पर्बत, आरामवाली पर्बत, विध्यांचल पर्बत या नीलगिरी पर्बत। तो टोडा जनजाति है जिहड़ी ये नीलगिरी पर्बत जिहड़ा निवास करती है। ऑप्शन ससा साडा राइट आंसर आएगा। जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव की हुंदा है, जल च खारेपन की अधिकता, जल चक्कर च रुकावट पैनी, बारिश दे विच रुकावट आनी, जल जीवां लई ऑक्सीजन की घाट। तो जल प्रदूषण का प्रमुख जिहड़ा प्रभाव है वो ऑप्शन ससा आएगा, जल जीवां लई ऑक्सीजन की घाट। अगला प्रश्न है सूरजी परिवार का सब तो चमकीला ग्रह किहड़ा है, पिछे तुहानू क्वेश्चन दे विच दस्सिया सीगा, शुक्र, धरती, शनि या बुद्ध। तो शुक्र ग्रह जिहड़ा सब तो चमकीला ग्रह है, ये बुद्ध तो अगला ग्रह है, बुद्ध शुक्र अते सूरजी परिवार का दूजा ग्रह है। सूरजी परिवार का सब तो चमकीला ग्रह है अते इसनों नंगी अख नाल देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल के 95% कार्बन डाइऑक्साइड होने करके इसनों जिहड़ा प्रैशर कुकर भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम के पा दिता जाता ना कि प्रैशर कुकर ग्रह किसू कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है क्योंकि 95% ये कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। यदा आकार है धरती वाग, व्यास भी धरती वाग है, जिस करके धरती की भैन, धरती की जुड़वा भैन भी कहा जाता है। इस ग्रह से भी जीवन की जी कोई संभावना नहीं। औसत व्यास है जोड़ा 12,100 किलोमीटर है। इसनों सवेर ते आथन यानी कि शाम का तारा भी कहा जाता है, इसते कोई भी उपग्रह है जोड़ा वो नहीं है। अगला प्रश्न है भारत एक गणराज है, इस तो की भाव है, देश के मुखी की चोण होंगी है, भारतीय संविधान लिखती है, संसदीय प्रणाली है या फिर भारत एक आजाद देश है। तो भारत एक गणराज, इस तो जिहड़ा भाव है देश के मुखी की जिहड़ी दे विच चोण होंगी है, तो इस तो भाव हुंदा है भारत एक गणराज है। ऑप्शन उड़ा साडा राइट आंसर आएगा। सो दोस्तों ये अगले भाग के अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से कंटिन्यू तुहानू तो वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, सिलेबस आउट हो चुके हैं, जल्दी है जिहड़े
जो भी वैकेंसियां हुण तक आउट हुई ने इन्हां दे एग्जाम जिहड़े वो होने वाले है सितंबर मंथ तक एग्जाम आ जिहड़े तुहाडे लै ले जाणगे। सो अपनी तैयारी रखो, कॉम्पीटिशन बहुत ज़्यादा है। सो नंबर उस दी आएगा जो दिन रात मेहनत करेगा। सो ये नहीं है घंटा जां दो घंटा पढ़ ले इस तो बाद फ्री, इस तरह नहीं है। मसा मसा वैकेंसियां आउंदियां ने, सरकारां दी हालत की आपां नूं पता ही है। सो मौका ना गवाओ, कंटिन्यू क्लास जरूर रीड कर लिया करो, जितों भी तुहानूं स्टडी मटीरियल मिलता है जरूर रीड करो। सो वध तो वध वीडियो अगे शेयर जरूर करते करो, बाकी चैनल में सबसक्राइब तो बैल आइकॉन आल ते प्रेस करना ना भुलना। धन्यवाद जी।